तो आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल होटल स्टाइल में। ये देखने में जितनी लजीज लग रही है, बनी भी उतनी लजीज थी। तो सबसे पहले मैंने जो ब्लैक वाली उड़द दाल होती है ना, उसको अच्छे से वॉश करके भिगोने के लिए डाल दिया था। उसमें थोड़ा सा राजमा ऐड कर लिया था। इसको रात भर भिगोना है, फिर जब सुबह उठोगे आप तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि ब्लैक उड़द दाल में काफ़ी गंदगी होती है। तो इसे जब आप अच्छे से वॉश करोगे ना, तो दाल की अलग ही चमक आ जाएगी। फिर मैंने इसे कुकर में ऐड कर दिया और इसमें ऐड कर दिया है पानी, स्वाद के लिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे 5 से 6 विशल तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर यूज़ कर लिया है, बट आप ध्यान रखें धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज़ करना है। और फिर उसके बाद मैंने बटर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। दाल अच्छी से गल जानी चाहिए। फिर मैंने एक पैन को गर्म होने चढ़ा दिया, उसमें 2 चम्मच मैंने घी यूज़ किया है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट घी में फ्लेवर काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर मैंने इसमें दालचीनी ऐड किया है, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और जब ये अच्छे से मसाले चटक जाएं तो मैं इसमें 2 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूंगी और प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक प्याज अच्छे से लाल ना हो जाए। तो प्याज जब अच्छे से लाल हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसाले में जो मैंने ऐड किया है वो है अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। तो आपको क्या करना है, अदरक लहसुन और 2 लाल मिर्च का पेस्ट तैयार करना है और उसे इसमें 2 चम्मच यूज़ करना है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप स्वाद के अनुसार ही ऐड करना, क्योंकि बटर जब आप इसमें ऐड करते हो उसमें भी नमक होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऊपर से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है और मैं कोई भी मसाले यूज़ नहीं करूँगी। फिर इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो मैंने 3-4 टमाटर की प्यूरी बना ली है। सिंपल सा टमाटर 3 लेंगे और उसे मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे और प्यूरी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ी सी पानी ऐड कर देना ताकि मसाले चिपके नहीं। मैंने भी हल्की सी पानी यूज़ कर दी थी। और फिर इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाले तेल अलग ना हो जाए। जब आप अच्छे से भून लोगे फिर ऊपर से इसमें आपको दाल को जो मैंने ऑलरेडी कुक करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। बट आपको ध्यान रखनी है कि आपके मसाले जो है अच्छे से कुक होने चाहिए। तो मसाले भूनने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। और ये देखो दाल बिल्कुल तैयार है, कुक हो चुकी है। तो अगर आपको लगे इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी ऐड करना, बट ध्यान रखना कि ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ मत करना, गर्म पानी ही यूज़ करना आप ऊपर से। मैंने दाल को मिक्स कर दिया है मसाले में और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो मसाले और दाल है आपस में अच्छे से मिल जाए। तो आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, आपको थोड़ी सी दाल लेनी है और उसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि दाल मखनी में हमेशा थोड़ी सी ग्राइंड की हुई दाल जाती ही जाती है, जिससे फ्लेवर और अच्छा आता है और दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी दाल जार में ले लिया, उसका प्यूरी बना लिया और उसमें ऐड कर लिया और फिर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया ताकि दाल ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली है। ऊपर से मैंने 1 चम्मच के लमसम कस्तूरी मेथी यूज़ किया है और इसको अच्छे से दाल में बॉईल होने दिया। फिर ऊपर से मैं बटर यूज़ करूँगी, तो मैंने 1/2 बटर पूरा ही यूज़ किया है। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से तो इसको फिर मैं 5 से 7 मिनट तक कुक करूँगी। जब दाल अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैं क्या करती हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी चीज़ में आप अगर क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसका फ्लेम या तो ऑफ होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो मैंने भी इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर मैंने ऊपर से ऐड किया था फ्रेश किया हुआ क्रीम जो मैंने बाहर से मंगवाया था। आपके पास अगर घर की बनी हुई मलाई है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि फ्लेवर और अच्छा होगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने बाहर का जो फ्रेश क्रीम होता है अमूल का, मैंने वही यूज़ किया था। तो आप देख सकते हो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, दाल अच्छे से उबल गई है। गैस को करेंगे ऑफ और इसमें ऐड करेंगे
चार से पाँच चम्मच के लमसम फ्रेश क्रीम और क्रीम को करेंगे अच्छे से मिक्स। ऊपर से मैंने गार्निश किया था फ्रेश हरी धनिया पत्ती से और ये आपका दाल मखनी बिल्कुल बनके तैयार है। तो ये दिख रही है ना लजीज, ट्रस्ट मी गाइस, इतनी टेस्टी मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी दाल मखनी और आपने देखा कि मैंने ज़्यादा मसाला भी यूज़ नहीं किया है, काफ़ी सिंपल रखा है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अगर आप दाल मखनी के फ़ैन नहीं हैं। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद डेफिनेटली आप दाल मखनी के फ़ैन हो जाओगे और इसे गर्मा गर्म आप राइस के साथ सर्व कर सकते हो, नान के साथ, फुलके के साथ सर्व कर सकते हो। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना।